मनसाई गांव के एक युवक के साथ गांव के ही दो युवकों ने शराब के नशे में धुत होकर मारपीट की है, जिसको लेकर पीड़ित युवक ने पुलिस चौकी धनेटा में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन पुलिस द्वारा दोनों पार्टियों में आपस में समझौता करवा दिया गया था, लेकिन फिर भी गांव के युवक पीड़ित युवक को मारने व जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसको लेकर पीड़ित युवक ने आज हमीरपुर उपायुक्त को अपनी लिखित शिकायत सौंपी। पीड़ित युवक ने उपायुक्त हरिकेश मीणा से गुहार लगाई है कि उसे न्याय प्रदान किया जाए और युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं पीड़ित अनु कुमार ने बताया कि गांव के युवकों द्वारा कुछ दिन पहले रात के समय उसके साथ डंडों के साथ पिटाई की थी, जिसको लेकर उसके परिजन भी उसे छुड़ाने के लेकर वहां पहुंचे, लेकिन नशे में धित युवकों ने डंडों से पिटाई कर डाली। अनु ने उपायुक्त से गुहार लगाई है कि उक्त युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमर में लाई जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। रात को मैं 12 बजे सोया हुआ था और रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास दो बॉयस आए और उन्होंने मुझे सीधा मारपीट करने लग पड़े मेरे साथ। तो उन्होंने इतना मारा, एक डंडे दे जा रहा था और दूसरा मारी जा रहा था और पूछ रहा था कि हमारे घर में तू ही था। मारते ऐसे ही पूछ जा रहे थे वो कि हमारे घर में तू ही घुसा हुआ था। तो सर ऐसे ही मारते रहे, आधा घंटा पौना घंटा वो तकरीबन लगातार मुझे मारपीट करते रहे। जब मेरे माँ बाप मुझे छुड़ाने आसपास आए तो उनको भी एक दो डंडे की लग गई सर साथ में, तो उनको भी काफ़ी चोटें आई सर। तो इसी हालत में हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हम अपील करते हैं, यहाँ आए हुए हैं कि हमारा कुछ हल किया जाए। हम पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए गए थे, वहाँ पे भी समझौता हमारा ऐसे जबरदस्ती करवाया और उन्होंने भी भेज दिया। और सर सुझाव क्या चाहते हो? अब हम सुझाव यही चाहते हैं कि हमारा इंसाफ किया जाए, हमारे साथ हमारी हेल्प की जाए। हमें मेरा भाई है एक और हमें साथ में वो ब्लाइंड है और हमें वो सर रात को दोबारा भी टॉर्चर करने की बात कर रहे थे कि हम आपको दोबारा भी रास्ते में टॉर्चर कर सकते हैं। तो हम अभी कुछ भी काम करने के लिए, सुबह उठ के कुछ भी काम करने के लिए, कहीं निकलने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि हमें बहुत डर है कि रास्ते में कहीं मिलें और दोबारा हमें डराएं धमकाएं। इसलिए हम आपसे बहुत अपील करते हैं कि हमारा कुछ सुनाई की जाए। वहीं पीड़ित युवक के भाई विजय कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले उसके भाई के साथ गाँव के ही दो युवकों ने मारपीट की है और डंडों से काफी देर तक उसकी पिटाई करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस चौकी धनेटा में शिकायत दर्ज करवाई थी, पुलिस द्वारा उनका आपस में समझौता भी करवा दिया गया था, लेकिन बीती रात युवकों ने फिर से उसे जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। विजय कुमार, मैं इसका छोटा भाई हूँ। क्या हुआ था? सर शुक्रवार की रात को 12 बजे के आसपास दो लड़के आए और आके पीटने लगे, ठीक है। पहले तो उन्होंने जूतों से मारा, फिर डंडा, एक डंडा तोड़ के दे रहा, दूसरा मारी जा रहा था और कह रहे थे बोल तो ही था बार बार, जैसे मार रहे थे बोल तो ही था। भागा भी नीचे लेट गया तब भी इसको मारते रहे, कम से कम 6-7 डंडे तोड़े इसके ऊपर तोड़ के। और मैं तो सर ब्लाइंड हूँ, मुझे बिल्कुल दिखा नहीं देता। अरे हम तो IRDP में गरीब है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने धनेटा चौकी में जाके कंप्लेंट भी करवाई, लेकिन दूसरे दिन वैसे जबरदस्ती हमारे साथ इन्होंने समझौता करवा दिया और हमें न्याय मिलना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? बस हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए।